एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल अजीताज लाइफ। आज है 21 जुलाई और आज है मेरे भाई का बर्थडे। तो यहाँ मैं मम्मी के घर स्कूल से रोज ही आती हूँ, आज भी आई हूँ। भाई यहाँ पे नहीं है, वो सिंगापुर में है, आने वाला था लेकिन आ नहीं पाया। तो मम्मी ने रुद्राभिषेक रखा है आज, तो मोनी ये स्कूल से आ रही है, मैं उससे पहले ही आ गई थी। और निहार जी आज कुछ खास लेके आए हैं हाथ में, उनके साथ हमेशा कुछ रहता है। तो यह है पॉपअप, उस आते ही सारे लोग उसी पॉपअप के पीछे पड़ गए हैं। उसको टिकटक करने में बहुत मज़ा आती है। और पंडित जी आ चुके हैं, वो पूजा की तैयारियों में लग गए हैं, पूजा की तैयारियाँ हो रही हैं और बस अब शुरू ही हो जाएगी। 3 बज गए हैं। यहाँ पे भगवान के श्रृंगार के लिए भांग की पत्तियाँ तोड़ तोड़ के अलग कर रही हूँ। एक साथ ही ये आई थी तो इसको तोड़ तोड़ के अलग करना था। और इसके अलावा जो बेलपत्र है उसको मैंने मोनी को दे दिया, बेलपत्र वो अलग करेगी और अलग करने के बाद उसे भगवान का नाम लिखेंगे। ये भगवान के श्रृंगार की तैयारी हो रही है। फिर से पॉपअप आ गया बीच में। यहाँ पे पंडित जी ने पहले मम्मी से भगवान का श्रृंगार करवाया, फिर उसके बाद बारी बारी से हम सभी ने भगवान का श्रृंगार किया। और ये भगवान को फल और मिठाई और जो भी चढ़ाना था सब भगवान जी को पंडित जी ने चढ़वाया। पूजा खत्म होने के बाद भगवान जी को धुल के फिर भगवान का श्रृंगार किया जाता है। भरजनं भवबीजानां भरजनं सुख संपरां भरजनं यमदूतानां राम रामेति गयजनं ईश्वर काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 कहे तुहारे क्यों हर का नाम विशारे क्यों त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु स सखा त्वमेव विद्या रविदं त्वमेव शरणं मम देव देव श्री महाकाल की जय। पूजा और आरती हो जाने के बाद पंडित जी सबके टीका करेंगे और रक्षा सूत्र बांधेंगे, सबको प्रसाद देंगे। यहाँ पे वही चल रहा है, सबसे पहले सरगम की बारी आई थी, सावनी खड़ी इंतज़ार कर रही, मोनी बैठी है, ये रहा उसका प्रसाद। अब बारी बारी से सबका नंबर आएगा। ये निहार का नंबर आ गया है। ब्राह्मण वरण वस्त्र दक्षिणाध्र की तैयारी होने लगी है। सब लोग खाना खा के जाएंगे तो मटर पनीर मैं बना रही हूँ अपने स्टाइल में, झटपट वाली गैदरिंग। मेरी मटर पनीर की सब्जी रेडी है, मेरा खाना बनके रेडी होने वाला है। यहाँ पे मटर पनीर
तैयार हो चुकी है और इधर चाय बनी थी। और अब आटा गूंथ के रखा है, ये ढक के पूड़ी बनाएंगे हम लोग और फिर सब लोग जल्दी जल्दी खाएंगे और फिर अपने अपने घर। यहाँ पे मोली पूड़ियाँ बेल रही थी, मैं तलने लगी थी और फिर जल्दी जल्दी बड़ी दीदी ने खाना लगा दिया था। तो ये है शिक्षा रानी, मम्मी की ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे लड़की रहती है शिक्षा रेंट पे, वही है। मम्मी ने इसको न्योता दिया था, तो न्योते वाली लड़की है, बाकी हम लोग भी न्योते वाले ही हैं। तो सब लोग खा रहे हैं फटाफट और खा के अब रात के 9 बज चुके हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी खा रहे हैं और हम लोग निकलेंगे। बारिश का भी मौसम है। तो ये रहा भैया का बर्थडे। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और सावनी यहाँ घर आते ही उसके स्कूल जाने की इतनी चिंता रहती है, अपना यूनिफॉर्म सबसे पहले प्रेस करने लगी है मेरी प्यारी।